हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त राकेश कपूर। और सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, शुरुआत हो रही है आज एक और नई वीडियो की, और आज भी आपको मैं टूर पर ले जा रहा हूं। बाकी आगे दिखाता हूं कहां कहां मैं ले जा सकता हूं। चलो जी, आज का हमारा सफ़र शुरू हुआ और हम निकल चुके हैं दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर से। और ये मेरा प्यारा सा भतीजा जतिन कपूर, और पीछे यादविंदर सिंह जी, हेलो जी, और मुकेश कुमार जी, हेलो सर। तो चलिए जी, चलते हैं दिल्ली से राजस्थान। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं धोलापुर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हुए, जहां सलमान खान और शाहरुख खान की सुपरहिट मूवी करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी। आज वो जगह आपको दिखाई जाएगी, जो पानी के अंदर गोल चक्कर में वो गाना फिल्माया जाता है, वो सब जगह आपको दिखाई जाएगी। अब हम महिपालपुर पहुंच चुके हैं। ये महिपालपुर की सड़क के किनारे में बने हुए होटल्स, ऑफिस वगैरह देखिए कितने शानदार लगते हैं। और ये 20 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एकदम उजाड़ सा होता था। 20 से 25 साल पहले मैं यहाँ से आता था तो डर लगता था, शमशान घाट और था यहाँ पर, रास्ते में एक शमशान घाट भी हुआ करता था। अब देखिए क्या बन गया। देखिए दोस्तों, रोड बिल्कुल खाली है, ट्रैफिक का तो कोई नामो निशानी नहीं है, आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बात, मौसम आज थोड़ा साफ नहीं है तो वीडियो की क्लैरिटी में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, आप देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। ये देखो जी, मुंबई एक्सप्रेसवे का टूल टैक्स आ गया। अब यहाँ से टूल कटाकर हमें आगे जाना होगा मुंबई एक्सप्रेसवे। लो जी, हम पहुंच चुके हैं उसी रेस्टोरेंट पे जो मैंने आपको पहले एक वीडियो में भी दिखा चुका हूं। जय हो बजरंगबली की सेना। देखो बंदरों को चिप्स दिए हैं और कैसे मजे से खा रहे हैं, और दूसरे वाला बंदर तो देखो लिफाफा लेके भाग गया, पैकेट ही लेकर भाग गया, और चिप्स निकाल निकाल कर खा रहे हैं। ये हनुमान जी की सेना है जी। अरे हाँ भाई हाँ। ये देखिए साइकिल लाल बज रही है, बाइक के साथ साइकिल चल रही है। अरे गुली अभी टैलेंट देखो जी, बाइक पे साइकिल चलाई जा रही है, बाइक पे बैठ के तीन तीन बंदे ने लूट लेते। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो दोस्तों देखिए, बंदर किस तरह खाना छीनने की कोशिश करते हुए वो खाना लेकर जा रहा था लड़का कोई, तो बंदर उससे खाना छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बड़े मज़ेदार सीन था ये। जय हो गजराज महाराज की। देखिए गजराज जी को ट्रक में ले जाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिल्म करण अर्जुन का गाना फिल्माया गया था, और वो गाना बहुत ही हिट हुआ था, यानी कि सुपर हिट गाना हुआ था वो। तो वो गाना सुनिए आप।
देखिए दोस्तों, ये वही सीन है और वही जगह है जहाँ पर ये गाना फिल्माया गया था जो अभी आप पहले देख रहे थे। ये देखिए इस तरह से झील का व्यू है, बहुत ही शानदार। दोस्तों ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, महाराजा नितिन सिंह ने अपनी महारानी के लिए एक लेक के किनारे यानी कि झील के किनारे एक शाही महल बनवाया था, जिसे आज राजस्थान गवर्नमेंट पर्यटन विभाग एक रेस्टोरेंट के रूप में चला रही है। यदि आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, इस झील का नाम है सिलिसेट। बहुत ही सुंदर झील है ये। ये देखिए झील के उस पार गांव बसे हुए हैं, देखो उधर भी गांव बसे हुए हैं, और देखो चारों तरफ पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, और इसके साइडों में सारे गांव बसे हुए हैं। टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पर, और इस तरह से टूरिस्ट कम्प्लेक्स है ये। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का व्यू है, पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि कैमरे में भी नहीं आ पा रहे, और जो झील है वो बहुत ही प्यारी है और काफ़ी बड़ी झील है, कोई मेरे हिसाब से तीन चार किलोमीटर के एरिया में झील फैली हुई है। और बरसातों के मौसम तो इस झील पर मानो कि चार चांद लग जाते हैं, और पर्वतों पर और पहाड़ों पर एकदम ग्रीन ही ग्रीनली नज़र आती है कि मानो हम राजस्थान में ना होकर उत्तराखंड में घूम रहे हूँ। चलिए दोस्तों कमेंट आ गया, यहाँ से चलते हैं वापस आगे। चलिए दोस्तों टाइम हो गया ज़्यादा, तो अब यहाँ से निकलते हैं। उम्मीद है कि व्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओए बाबू क्या हो रहा है ये? ओए इधर आ इधर आ, मेरे प्यारे प्यारे बाबू। पनीर पकौड़ा खाया इसने। हाय हाय सभी, कितना प्यारा है भाई। इधर आ, नोने बच्चे इधर आओ आ जा भाई। अरे कहाँ जा रहा है? इधर आ, जल्दी आ। चलिए दोस्तों तो अब हम सिली से वापसी दिल्ली की ओर रवाना होते हुए अभी यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे थे, कुछ हल्का सा खाना पीना किया है सासू जी की रानी, उसके बाद अब दिल्ली वापसी के लिए चलते हुए। ये देखिए अब ये भाई वाह भाई वाह भाई, ये ठीक है, यही गलत दिखाई दे रही है। ये इस समय रात के कुल लगभग 7 बज चुके हैं, और ये अलवर की मार्केट है। ये अलवर का घंटाघर है, और ये है रसगुल्ले, रबड़ी, फलूदा वगैरह वगैरह सब सामान यहाँ पर है, उपलब्ध है। ठीक है, अब रबड़ी वगैरह खाता है, पनीर, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये। अच्छा तो रबड़ी क्या रेट है भैया? 400 इधर से है ना सर। रबड़ी वहाँ मिलेगी? हाँ उधर से। कवरेज करो फिर करते हैं। चलो यहाँ से क्या पनीर ले लो, गुलाब जामुन ले लो, कुछ भी ले लो, कलाकंद ले लो। रसमलाई है? रसमलाई लेनी है? ये चीज चेक करके देखो, कराओ चेक। मुकेश तो साफ नहीं हो गई जाएगी, या एक काम करिए थाली में डाल के आइस डाल दो। ओके हो गई है, थाली में रसमलाई डाल के ना, तो उसको आइस डाल देना अलग से, दूसरी थाली में उसमें डाल दो। बढ़िया है, ठीक है।
कैसी लगी रसमलाई बता तो दे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। एक किलो। मेरा राकेश कपूर दिल्ली के नाम से चैनल है। हाँ जी। हाँ जी। एक किलो गुलाब जामुन कर दो। राम राम। और यहाँ से कुछ मिठाई लेते हुए कुछ तो हमने रबड़ी ली है, ठीक है दोस्तों, और कुछ गुलाब जामुन ले रहे हैं। ये क्या बात है भाई साहब, गुलाब जामुन मिल रहा है क्या? मुझे तो मैं बनाता हूँ, आप खड़े। अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों? अब हम रुके हैं मुंबई एक्सप्रेस वे के रेस्टोरेंट में, जहाँ सुबह जाते हुए खाते हैं, रात को यहाँ आते हुए खाते हैं। मिलता है रेस्टोरेंट यही है हमें। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये देखिए जी, ये रेस्टोरेंट है मुंबई एक्सप्रेस वे का। रेस्टोरेंट का नाम करियन कबाब रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे हमने खाना खाया है। ये सारा स्टाफ है यहाँ का। और सेफ कौन है? अपना नाम बताइए। अपना नाम बोलो। मेरा नाम अजय है। कम कम सब दिखाओ नाम बोलने के बाद। और मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हो, और आप बाकी? सर मेरा नाम मनोज है, मैं यहीं से हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट से। और बाकी आओ। मेरा नाम दिनेश है, मैं यूपी से। यूपी से? नेपाल से। ठीक है, बाकी आओ शंभू जी, आप इधर आओ, आप इधर आ जाओ। ये यहाँ के मैनेजर साहब है शंभुनाथ जी। रवि श्रीवास्तव। रवि श्रीवास्तव जी है, ये यहाँ के मैनेजर हैं रेस्टोरेंट के। ये पूरा स्टाफ है, सारा स्टाफ एक साथ आ जाओ। इस हाईवे की एक तो खासियत है दोस्तों, बताओ क्या? बताओ। चलो छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। इस हाईवे की खासियत यह है कि इस पे आदमी को थकान नहीं होती। वो क्यों नहीं होती दोस्तों, ये भी बता दो आप जरा। वो थकान क्यों नहीं होती ये भी बताओ। चलिए मैं ही बता देता हूँ कि भाई साहब, यहाँ जो आपको एक्सीलेटर पे ही पैर रखना पड़ता है, ब्रेक पर पैर रखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया जी टोल प्लाजा। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि इस हाईवे पे किसी को थकावट नहीं होती, वो क्यों नहीं होती कि हम जैसे कि हरिद्वार जाते हैं और जयपुर पे जाते हैं, यदि नेशनल हाईवे से जाते हैं, तो सारा एक पैर ब्रेक पे रखना पड़ता है, एक एक्सीलेटर पे रखना पड़ता है, कभी रेस पे रखो, तो आदमी इधर से उधर पैर करता करता थक जाता है। तो यहाँ सिर्फ आप एक्सीलेटर पे पैर रखे रखो, ना क्लच दबाने की जरूरत है और ना ही ब्रेक लगाने की जरूरत है, क्योंकि हाईवे बिल्कुल खाली है। बिल्कुल खाली हाईवे होता है, कोई ट्रैफिक नाम की चीज नहीं है यहाँ। तो गाड़ियों में इतना गैप होता है कि आप 120 की स्पीड पे चलते रहो तो आपको तब भी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती। बाकी हम गुड़गांव पहुंचने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में आगे। दोस्तों अब मैं घर पे पहुंच चुका हूं, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।